नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन एसडी कार्ड में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे मूव करेंगे। अगर आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज काफ़ी कम है तो आप अपने फ़ोन में एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं एंड मेमोरी कार्ड लगाकर ऐप जो है अपने फ़ोन का उसमें मेमोरी कार्ड में भेज सकते हैं। इसके लिए जो है कई तरीका है। इस वीडियो में आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए। आप अपने मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज से कोई भी फ़ोटो वीडियो मेमोरी कार्ड में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आप अपने मोबाइल में सबसे पहले फाइल मैनेजर ऐप ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे माई फाइल्स या फाइल मैनेजर के नाम से यह एप्लीकेशन जो है सभी मोबाइल में मिल जाता है। तो सिंपल सा इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जो कि आपके फ़ोन का स्टोरेज होता है एंड एसडी कार्ड अगर आपने लगाया है तो एसडी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर हमें अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज से जो ऐप है वह मेमोरी कार्ड में भेजना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके इंटरनल स्टोरेज में जितने भी फोल्डर रहेंगे वह सभी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहना क्या है, जिस भी एप्लीकेशन को आप एसडी कार्ड में भेजना चाहते हैं उसका फोल्डर यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको जो है उस पर क्लिक करके टाइप एंड होल्ड करके उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, एक एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में यो व्हाट्सअप, इसे हम भेजना चाहते हैं मेमोरी कार्ड में। तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मूव का, एक कॉपी का। यहाँ पर अगर आप कॉपी करते हैं तो यह जो एप्लीकेशन है वह आपके फ़ोन में भी रहेगा और एसडी कार्ड में भी मूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मूव करना है तो इसके लिए आप मूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड अब जो है सबसे ऊपर आप देखेंगे एक आइकन मिलेगा होम का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर अब जो है एक ऑप्शन मिलेगा एसडी कार्ड का सेकेंड नंबर पर, यहाँ पर आपको एसडी कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब जो है यहाँ पर एसडी कार्ड में जो भी फोल्डर रहेगा वह देखने को मिल जाएगा। उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है मूव हेयर का जो ऑप्शन डिसेबल है यह आपके मोबाइल में इनेबल होगा अगर जो है आपके फ़ोन में एसडी कार्ड लगा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह जो एप्लीकेशन है एसडी कार्ड में मूव हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरे फ़ोन में जो है एसडी कार्ड नहीं लगा है, यहाँ पर शो कर रहा है नॉट इंसर्ट। अगर आपके फ़ोन में एसडी कार्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर जो है मूव हेयर का ऑप्शन जो है इनेबल देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।